हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये ब्लॉग कल से आगे का है, जहाँ मैंने छोड़ा था वहाँ से आगे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने बनाए थे, देखिए, दाल चावल। तो दाल चावल बन गए थे और साथ में है रिसोड़े वाला अचार, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे यहाँ ख़त्म भी हो गया, दोबारा का भी थोड़ा सा रह गया है बस। तो यहाँ मैंने इनकी थाली लगा दी है। और ये देखिए, ये है शाम का टाइम, ये लेके आए थे मिठाई। भोग लगाया ठाकुर जी का और मंदिर वगैरह करके आए। उसके बाद में सेलिब्रेट एनिवर्सरी मम्मी पापा की हमने बहुत ही सिंपल तरीके से की, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत बढ़ रही है। मम्मी पापा की खुद भी इच्छा नहीं थी कि कुछ आडंबर किया जाए या कुछ बनाया किया जाए सिंपल तरीके से। तो बस यहाँ पे गिफ्ट में देखिए, ये मेरे पास मैंने मंगाए थे बिच्छुए मम्मी के लिए, तो वो मैं लेके आई हूँ। आज थोड़ा सा मार्केट भी गई थी। और उसके बाद में ये जो है राघव लेके आया, सॉरी कृष्णा लेके आया था परफ्यूम पापा के लिए। पापा को परफ्यूम बहुत पसंद है। और ये लेके आया था ग्लूकोज का डिब्बा, क्योंकि पापा को ग्लूकोज वगैरह भी गर्मी है, तो ऐसी चीज़ देनी चाहिए ना जो काम की हो। तो बच्चों का मन था, कृष्णा बोला मम्मी बाबा के लिए ग्लूकोज ले लेते हैं, बाबा को अभी गर्मियाँ हैं तो ग्लूकोज सही रहेगा, जो भी चीज़ मतलब ज़रूरत की है वो। तो बस यहाँ पे मम्मी के लिए बिछुआ और पापा के लिए ग्लूकोज और परफ्यूम का वो राघव ने दिया था। तो बस ये बस सिंपल तरीके से मम्मी पापा को मिठाई। मम्मी पापा तो कह रहे थे क्या कर रहे हैं बच्चे। मैंने कहा, मम्मी से बोला कुछ नहीं कर रहे, कह दो बस मिठाई लेके आए हैं, अपने हाथों से मिठाई खिला रहे हैं, अपने हाथों से गिफ्ट दिया। बस इतने सिंपल तरीके से अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। और 55वीं एनिवर्सरी थी मम्मी पापा की, जैसे कि मैंने आपको नहीं बताया, बताया भी नहीं है, ये 55वीं थी। और 50वीं भी मैं आपके साथ में, मैंने जब मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट ही किया था तब मैंने शेयर किया था मम्मी पापा की 50वीं एनिवर्सरी। तो बस यहाँ पे इसी तरह सिंपल तरीके से किया। और यहाँ पे जो है गिफ्ट चल रहे हैं, देना देनी रहा। एक लासन कर सकते हैं, लेकिन बालू सही खबा बाबड़े खबा दे कमाल का था। अभिषेक शर्मा वो दो ओवर निकल चुकी है, अभी भी वो बॉल के बारे में सोच रहे हैं। मैजिकल बॉल, देखिए लॉजिक का खेल नहीं होता फाइनल। तो बस इसी तरह सेलिब्रेट किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सब कुछ इन्हीं की माया है, हमारा क्या है। तो बस इसके बाद मैं कोई व्लॉग व्लॉग ही बनाया था, आगे ब्लॉग कंटिन्यू मतलब कल से करूँगी। इतना ही छोटा सा ब्लॉग था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।